एक्चुअली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्रॉम्पटन की तरफ से, जो एक है एक एंटी बैक्टीरियल एलईडी बल्ब। बल्ब तो हम रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हैं घर में, मैंने कभी सुना नहीं है कि रोशनी के ज़रिए आपको डिसइंफेक्शन भी मिल सकता है घर में। तो एज अ पेरेंट जिसके घर में एक छोटी बच्ची है, मुझे कीटाणु को मतलब हटाने में बहुत फ़ायदा दिखता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इसके बारे में सीखने के लिए। एंड आई फाउंड आउट दैट इट्स आल्सो इफेक्टिव 85% जर्म्स को, चार घंटे के बाद इफेक्टिवनेस इस बल्ब का शुरू होता है, और इट्स सेफ आल्सो बच्चों के लिए, पेट्स के लिए, किचन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के लिए सेफ़ होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, अभी मार्केट में नया आया है जैसे मैंने कहा, सो आई एम एक्साइटेड टू यूज़ इट। आज तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई न्यू के लाइट इज़ समथिंग दैट वी यूज ऑफन, यू नो द यूज़ ऑफ लाइट फॉर एंटी एजिंग, फॉर हीलिंग, फॉर एक्सरेज, लेकिन मुझे ऐसे लगा था कि ये जो लाइट फॉर ह्यूमन बींग्स इज़ अनसेफ प्रोलॉन्ग यूज़। मुझे आज पता चला है कि देव एक्चुअली कम अप विद अ सिस्टम जहाँ पे विजिबल लाइट को इस्तेमाल करके इन द सेफ रेंज देव मैनेज टू डिसइनफेक्ट जर्म्स इज वेल एंड किल अप टू 85% जर्म्स। और आपके घर में जो जितने भी लाइट बल्ब्स हैं आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं with these Crompton antibacterial LED bulbs. Price point bhi similar hai, zyada fark nahi padega aapko isme se, so it doesn't really break the household budget, so I think that in terms of for our needs as a consumer bahut hi acha product hai. aapko kaise malum? अच्छा हाँ जी, जर्म्स मुझे एक्चुअली जर्म्स के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। आई फील आई नो टू मच एंड समटाइम्स इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। घर में जो इंडोर्स जो जर्म्स होते हैं आपके घर में, प्ले स्कूल में जहाँ और भी बच्चे खेलते हैं, एक बच्चे को ज़ुकाम होता है, जहाँ पे 20 बच्चे होते हैं तो कभी ना कभी किसी बच्चे को ज़ुकाम होगा या कोई इलनेस तो होगा ही। अभी बच्चे की इम्यूनिटी के लिए अच्छा भी होता है सम एक्सपोजर टू जर्म्स, बट उनका इम्यूनिटी बहुत कम होता है, तो हम चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, क्योंकि हम उनके लिए एंटीबायोटिक्स भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी डोंट वॉन्ट टू ट्रीट आर चिल्ड्रन, वी वॉन्ट दम टू फाइट बाई दम सेल्व। तो दैट्स वाई आई फील के जहाँ पे हम डिसइनफेक्शन यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइजर, स्प्रेज, वो तो सब हम करते ही हैं, बट इफ़ एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कंटिन्यूस डिसइनफेक्शन आपको मिल सकता है थ्रू अ बल्ब, जहाँ पे आपको लाइट भी, रोशनी की ज़रूरत होती है वो भी मिल रहा है, और हाथ इन हाथ आपको ये सैनिटाइजेशन भी मिल रहा है, एक डिसइनफेक्शन भी मिल रहा है, जहाँ पे अप टू 85% जर्म्स भी आर बीइंग किल्ड। सो आई थिंक दैट दैट्स समथिंग दैट इज इट्स अ नो ब्रेनर। नहीं, हाँ, यू डोंट नो एवरीथिंग। एक प्ले स्कूल में नहीं है, एंड ऑफ द क्वेश्चन, बस। अभी दोनों बच्चे हैं, अभी दो बच्चे जो इतने छोटे हैं वो ऐसे ही खेलते हैं, मासूम हैं, कभी कभी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, कभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं एक दूसरे को, कभी अनाया उनके साथ खेलना चाहती है, कभी तैमूर उनको अटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर देखा है तैमूर इज़ वेरी वेरी केयरिंग। एक बार तो अनाया ने तैमूर के बाल 3 बार खींचे और उसने कुछ नहीं बोला, एंड आई थिंक दैट समवेयर ही नोज दिस इज़ फैमिली एंड ही टॉलरेट्स हर एंड दे लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। हाँ जी, मतलब कि कुणाल इज़ एन एविड बाइकर, उनको बाइकिंग करने का बहुत शौक है, एंड इज़ ऑलवेज सेड कि जब वो बड़ी होगी, ऑब्वियसली व्हेन शी इज़ ऑफ द राइट एज, तो वो उनके साथ बाइक राइड पे जाना चाहेंगे। उसके लिए बहुत साल हैं अभी, बट हमने जब वो शी वॉज लर्निंग टू वॉक, एक हेलमेट लाए थे हम उनके लिए, क्योंकि शी यूज़ टू वॉक फॉल ऑल द टाइम, एंड इट्स नॉट समथिंग टू बी यूज वेरी ऑफन, लेकिन उन्होंने बस उनको बाइक पे बैठाया ऐसे ही, जस्ट टू फील व्हाट इट्स लाइक टू सिट ऑन अ बाइक, वो हेलमेट के साथ। एंड आई थॉट द मैसेज जो उन्होंने लिखा इंस्टाग्राम पे वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इट वॉज रियली अबाउट हाउ ही इन्विजन्स द फ्यूचर फॉर हर एंड दैट बॉन्ड बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर। हाँ जी, बॉलीवुड में उसके बारे में तो और भी मौके होंगे, राइट नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट क्रॉम्पटन एंड एंटीबैक्टीरियल एलईडी लाइट्स। थैंक यू।